वेलकम टू नैन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू नैन अल्टीमेट। अभी हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं जो कि अभी भी यूपीएससी का इंटरव्यू रहा। अच्छा था, मिक्स था एक्सपीरियंस। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आए, कुछ नहीं आए, सो मिक्स था एक्सपीरियंस। कितनी देर इंटरव्यू चला सर? 30 मिनट्स एग्जैक्ट। सर अपना नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। ओके, मेरा नाम है वसंत दाभोलकर, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरा ग्रेजुएशन है। जी सर, आपका मीडियम और ऑप्शनल? मेरा मीडियम तो इंग्लिश में ही था और ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। सर आज इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया? वो मिक्स थे क्वेश्चंस, हाफ ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम डेफ, हाफ ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड जीएस रिलेटेड क्वेश्चंस। करंट में क्या पूछा गया सर? जैसे कि रिसेंट इश्यूज तो नहीं थे, जो ईयर लॉन्ग इश्यूज है, हाइड्रोजन व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज एंड ऑल दैट्स, तो उस पर क्वेश्चंस थे। एसडीजी पे था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एंड रेगुलर क्वेश्चंस फ्रॉम ऑप्शनल एज वेल। सर आपने मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे किया? ओके, आंसर राइटिंग के लिए मैंने तो वैसे डे वन से प्रैक्टिस वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया था। मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद ही मैंने एक्चुअल स्टार्ट किया था, और उसके लिए एक ही स्ट्रैटेजी थी, पेपर कंप्लीट होना और कंटेंट रिच करना। ये दोनों पिलर्स के बेस पे मैंने मेंस लिखी। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम कंप्लीट होना चाहिए और दूसरा थिंग कंटेंट रिच होना चाहिए, बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं। सर इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे किया, या मेंस के साथ साथ ही हो गया, प्रीलिम्स मेंस की तैयारी किया था तो या अलग से किया? जो डेफ का जो है वो मेरा थिंकिंग में ही था मोस्टली, डेफ में जो भरना है लाइक हॉबीज, और मैंने डेफ में ऐसा ही सब भरा था जो मैं रेगुलरली करता हूँ या जिसकी आइडिया मुझे कम्प्लीटली है। सो उसके ऊपर मुझे ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए मैंने सिर्फ वो ब्रशअप किया, और कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है वो सिर्फ जज किया, बाकी कुछ नहीं। सर कुछ नए लोग जो तैयारी शुरू करते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है ऑप्शनल को लेकर, तो ऑप्शनल का चयन कैसे करें सर? ओके, ऑप्शनल ऐसा ही चूज़ करें जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप यूज़ कर सके। जैसा कि होता है सर तैयारी जब लोग शुरुआत करते हैं तो पहले जीएस पढ़ लिया जाए, फिर क्या इंटरेस्ट का कैसे पता चलेगा सर ऐसे में? ओके, वो डिपेंड है पर्सन टू पर्सन, पर आप क्या कीजिए, टॉपर स्टॉक है वो सुन लीजिए, या कोई बड़े सीनियर जो है जिन्हें यूपीएससी का, उनसे पूछ लीजिए, और खुद को जो अडेप्टेबल है वो। सर आजकल जैसा कि इंटरनेट यूट्यूब वगैरह उपलब्ध है, तो पहले की तुलना में और आज जो तैयारी हो रही है उसमें सर क्या, या तो कंपटीशन बढ़ गया या फिर तैयारी में क्या मतलब मिली? नहीं, एक्चुअली मुझे अगर पूछे तो मैं बोलूँगा रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो इसका बेनिफिट है अगर आप इंटेलिजेंटली वो यूज़ कर सके तो। अगर ऐसा नहीं सभी पढ़ने लगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। आप इंटेलिजेंटली स्मार्ट वर्क करें तो फिर अच्छा है, क्योंकि जितने ज़्यादा रिसोर्सेज है, जितनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, उसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को होता है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल अवेलेबल रहता है। सर प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट थोड़ा सा बता दीजिए। बुक लिस्ट तो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है, स्मार्ट वर्क कीजिए, जो बुक रिसोर्स से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ऐसा ही बुक लीजिए, उसको ही स्टिक रखिए। और करंट अफेयर्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना, पीडब्ल्यू की शुरुआत अलख पांडे सर ने किया। पीडब्ल्यू इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जो जेई, नीट, एनडीए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पीडब्ल्यू लाखों स्टूडेंट का जो है फर्स्ट चॉइस है। अब पीडब्ल्यू लेके आया है यूपीएससी स्टूडेंट के लिए, यूपीएससी वाला। पीडब्ल्यू का मिशन है एजुकेशन फॉर ऑल। पीडब्ल्यू इंडिया के हर सिटी, हर स्मॉल टाउन और हर विलेज में रहने वाले सारे स्टूडेंट का जो है प्रथम चॉइस बन चुका है। पीडब्ल्यू जो है कम पैसे में आपको शानदार क्वालिटी जो है देने का काम करती है। पीडब्ल्यू यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि पहला बैच इसका है पीएसआईआर एंथ्रोपोलॉजी ज्योग्राफी, जिसमें आपको सिर्फ 8,999 रुपये में, जिसकी शुरुआत 30 जनवरी 2023 से होने जा रही है। तो जल्द आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करें, और ये बैच आपका 25 जून 2023 को कंप्लीट हो जाएगी, जो कि इंग्लिश में है, यानी कि हिंदी में भी पढ़ाई जाएगी और इंग्लिश में भी। दूसरा बैच हिस्ट्री का है, जो कि हिंदी भाषा में पढ़ाई जाएगी, जिसके प्राइस है सिर्फ 8,999 रुपये, वो भी यूपीएससी के टॉप टीचर के द्वारा, जिसकी भी शुरुआत 30 जनवरी 2023 से होने जा रही है और कंप्लीट होगी 25 जुलाई 2023 को। साथ में आपको बता दूँ, ये जो क्लास होगी जो मंडे टू फ्राइडे होगी, लाइव क्लासेस चलेगी, डॉट सेशन होगा, और इतना ही नहीं, इसमें आपको प्रीलिम्स टेस्ट रिविजन बुकलेट, पीवाईक्यू एनालिसिस एंड डॉट सेशन किया जाएगा। साथ में पीडब्ल्यू का एक मैगजीन है मंथन, जो कि काफ़ी शानदार है, यूपीएससी के फील्ड में धूम मचा रही है, इसके साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। और आप लोग यदि मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, दिए गए कूपन कोड आप लोग देख सकते हैं, इस कूपन कोड को यूज करते हैं आपको 500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्द ज्वाइन करें, बाकी आप सब लोग अंत तक बने रहे, उसमें ऐड करते जाइए। फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत, और करंट में कुछ आया
तो फिर वही चैप्टर रिवाइज कीजिए, जैसे सपोज गवर्नर के बारे में कुछ आता है। और एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको करंट अफेयर्स में लगे तो लक्ष्मीकांत के नीचे ही राइट डाउन करने का, सो फिर वो एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कॉम्बिनेशन वाइज स्टैटिक प्लस करंट का स्टडी आपका हो जाता है। सर यूपीएससी के साथ साथ कई लोग पीसीएस का भी पेपर देना शुरू कर देते, क्या वो कहाँ तक सही है सर? वैसे तो मैंने भी दिया था, नॉट एज अ प्लान बी बट एज जस्ट हॉबी काइंड ऑफ थिंग, मैं ऐसे ही दिया था। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, इफ दे वांट तैयारी जैसे कि पीसीएस होता है किसी राज्य का, दोनों में डिफरेंस है या फिर इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट में लॉट ऑफ डिफरेंस है क्योंकि रीजनल क्वेश्चंस पूछते हैं, पर मैंने सुना है यूपीपीएससी वगैरह मोस्टली यूपीएससी के लाइन पर ही होते हैं, तो अगर स्टूडेंट्स कंफर्टेबल है तो प्रीलिम्स तो देना चाहिए क्योंकि इतना कुछ एफर्ट नहीं होता, एक दिन में एग्जाम हो जाते हैं। और अगर वहाँ सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर यहाँ वो एक कम्फर्ट जोन में चले जाते हैं, तो फिर इट्स गुड कि आप टफ एग्जाम लाइक यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, पर दोनों का बैलेंस रखना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, टी सी अनंत सर का बोर्ड था, ऑर्डियल था, बहुत फ्रेंडली था, अच्छे से गया, क्वेश्चंस भी ज़्यादा हार्ड नहीं थे, मेरे बैकग्राउंड से ही रिलेटेड थे सिविल इंजीनियरिंग से, तो अच्छे से हैंडल कर पाया मैं। सर आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड? एक मेरा नाम कल्पेश रमनलाल प्रजापति है और मेरा आई हैव कंप्लीटेड सिविल इंजीनियरिंग। सर आपने मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे किया था? मेंस की आंसर राइटिंग तो मैं खुद से ही आंसर लिखता था और एनालाइज करता था, तो सेल्फ असेसमेंट करता था मैं रादर देन गोइंग फॉर टेस्ट सीरीज, लेकिन ऑप्शनल के लिए टेस्ट सीरीज लगाई थी। बाकी जीएस के लिए तो मैं खुद ही लिखता था आंसर, खुद ही एनालाइज करता था आंसर्स को, जैसे कि सर आपने से करवा लेता था। जैसे कि सर आप कोचिंग में मॉक दिए होंगे और यहाँ पे आके रियल इंटरव्यू दिए, दोनों में सर कुछ डिफरेंस लगा आपको या सेम ही था? मॉक की वजह से कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ गया और फ्री हो गया, क्योंकि पहले हेजिटेशन होता था, अभी कुछ हेजिटेशन नहीं हुआ, रियल इंटरव्यू में अच्छे से गया। और मॉक का एक बेनिफिट है कि ज़्यादा भी देने नहीं है मॉक्स, 4-5 दे दो बस, तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है और आप फ्री भी हो जाते हैं क्योंकि आपको आदत हो जाती है उस एनवायरनमेंट की, तो इट वर्क्स मॉक। सर यूपीएससी एग्जाम के लिए क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? हाँ एनसीईआरटी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो बेसिक बुक्स है, जो समझ लो कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, तो वो भी पढ़ सकते हैं, तो इट विल हेल्प। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं बोलूँगा उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए जी। सर ऑप्शनल का चयन कैसे करना चाहिए? ऑप्शनल आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, पहले आप देखो कि इंटरेस्ट है कि नहीं आपको उस चीज़ में, जीएस में कितना फ़ायदा मिल सकता है उस चीज़ का, और सिलेबस आप कवर कर पाओगे कि नहीं, ये सब चीज़ें। मेरा फिलोसॉफी मेरा शॉर्ट सिलेबस है, क्योंकि शॉर्ट सिलेबस की वजह से मैंने फिलोसॉफी चूज़ किया था, लेकिन इंटरेस्ट भी मेरा डेवलप हो गया उसमें धीरे धीरे करके, करंट अफेयर से कुछ पूछा नहीं गया मेरे से। जी क्या डैप से तो बैकग्राउंड से ही पूछा ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरा ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र से, तो उसके बारे में पूछा था। सर पूरी तैयारी में आपको मतलब कोई स्ट्रगल भी होता है, कई चीज़ें होती है, तो आपने किस तरह की सारी प्रॉब्लम को फेस किया? स्ट्रगल तो होता है, लेकिन आपको आपको अपने खुद पे खुद के ऊपर विश्वास रखना है और करते रहना है, छोड़ना नहीं, गिव अप नहीं करना है, तो हो जाता है। सर 5 तारीख को जो यूपीएससी प्रीलिम्स होने जा रहा है, इसमें कुछ नए लोग बैठेंगे, तो उसके लिए सर क्या कहना चाहेंगे सर आप? यही कहना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज कीजिए, लॉजिकल गेसिंग पे फोकस कीजिए और बेसिक बुक्स अच्छे से कीजिए। थैंक यू सर। सर प्लान बी क्या कंसेप्ट कभी आता है सर? प्लान बी मतलब है, मेरा इंजीनियरिंग है बैकग्राउंड, तो आई एम ऑल्सो वर्किंग सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, सो इट विल हेल्प मी। थैंक यू सर।